नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव 2024 को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी तैयारी के साथ साथ राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। जहां भी पार्टी की स्थिति कमजोर है, उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सीटों पर पार्टी ने विशेष रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष भी अपनी जोर लगाता नजर आ रहा है। छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, केंद्र से मोदी सरकार को हराने के लिए अब गठबंधन का नाम तक बदल दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच BSP चीफ मायावती का बयान लगातार सामने आ रहा है। फिर से मायावती का बयान सामने आया है जो बेहद ही खास है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले NDA के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बना है। हालांकि अभी कई दल ऐसे हैं जो इन दोनों ही गठबंधनों से बाहर हैं। बात करें यूपी में BSP प्रमुख मायावती की, तो पहले मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था। हालांकि अब उन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं और इसकी वजह भी बता दी है। बता दें कि BSP की बैठक में पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा शाम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर BSP के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जनविरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव है। जानकारी के अनुसार BSP की बैठक लखनऊ में मायावती के नेतृत्व में हुई। बता दें कि इस बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित चार राज्यों में शीघ्र होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी के लिए बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ चर्चा भी की गई। इस दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए उभरते हालात और ताजा राजनीतिक समीकरण पर चर्चा के साथ पार्टी के जनाधार बढ़ाने पर भी बात हुई। मायावती ने कहा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में इन कमजोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम समाज का सही संवैधानिक भला तभी हो सकता है जब वहां जनता को हताशा और निराश करने वाली मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की जनहित को मजबूत करने वाली सरकार होगी, जैसा कि अक्सर यहां देखने को न मिलता। बता दें कि इस साल राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर BSP चीफ भी प्लान बनाती नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अब मायावती के इस बयान से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहले मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कही थी, वहीं अब मायावती का कहना है कि बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव है। अब देखना होगा कि अगर मायावती किसी भी दल से गठबंधन करने का फैसला करती हैं तो किसका पलड़ा भारी होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।